मध्य प्रदेश 10वीं और 12वीं में 70% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करियर संबंधी जरूरी दिशा निर्देश दिए। उसी के साथ में टीटी नगर स्थित मॉडल स्कूल में हम छू लेंगे आसमान कार्यक्रम में छात्रों को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए करियर संबंधी टिप्स दिए। बच्चों के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री कम बल्कि उनके मामा ज्यादा दिखाई दिए। कई जगह कई बच्चे मुझे फिर मिले और एक बात मुझे अक्सर कई बच्चों ने कही, मामा पढ़ने में तेज, बुद्धि की कमी नहीं, क्षमता की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन हम निम्न मध्यम वर्गीय है, मध्यम वर्गीय है, गरीब परिवार से आते हैं, हमारे पास पैसे की इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम 12वीं के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। और ये पिछले साल एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, और उस योजना में हमने तय कर दिया बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति के भेद के, सब बच्चों के लिए, बच्चों में क्या भेद करना, किसी वर्ग के हों, किसी जाति के हों, सामान्य वर्ग के हों, पिछड़े वर्ग के हों, अनुसूचित जाति जनजाति के हो, कोई भी हो, बच्चे तो बच्चे हैं आखिर। और हमने तय किया कि जो बच्चे 75% से ज्यादा नंबर 12th बोर्ड में लाएंगे उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा भरवाएगा, प्रदेश की सरकार भरवाएगी। छात्र छात्राओं को सफलता का मंत्र देते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि बच्चे अपनी रुचि के मुताबिक विषय का चयन करें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं का उदाहरण भी दिया। इस दौरान सीएम शिवराज ने प्रदेश के कई छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से? हेलो जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, नाम बताएं। मेरा नाम ऋषि भाबोर है और मैं छापा स्कूल ऑफ एक्सलेंस से हूँ। जी बोलिए बेटी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि हमारे झाबुआ जिले में प्रतियोगी परीक्षा में बच्चे तैयारी करते, तो हमारे झाबुआ में जिले में लाइब्रेरी की कमी है, वो लाइब्रेरी की सुविधा हमारे झाबुआ जिले में हो सकती है, तो हमारे झाबुआ जिले के छात्र छात्राओं को मतलब एग्जाम की तैयारी करने के लिए आसानी से अत्यंत दुर्लभ जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। बेटी, आपके यहाँ नया भवन पुस्तकालय का जल्दी बन के झाबुआ में तैयार हो रहा है, और उसमें जो तुम्हारी भावना है उस भावना के अनुरूप ई लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। जी हेलो, हाँ घंटी आ रही है। जी हेलो, हेलो, अपना नाम बताइए और सीधे मुख्यमंत्री महोदय से बात कीजिए। रोहित श्रीवास्तव। हाँ बोलो बोलो बेटे, रोहित श्रीवास्तव ना जी। सर, मेरा रोहित श्रीवास्तव है, मैं भिंडी के साथी उत्तरकाश क्रमांक 1 का छात्र हूँ। मैंने इसी वर्ष कक्षा परीक्षा कला संकाय से 89.5% से उत्तीर्ण की है। बधाई आपको। सर, मेरा प्रश्न यह है कि यदि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता हूँ तो क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भरी जाएगी? बेटे, अभी मैंने बताया था कि मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, ये 70% से ज्यादा अंक लेके हमारे जो बच्चे आए हैं उसमें केवल एक सीमा है, क्योंकि अगर बहुत अमीर परिवार से 6 लाख से ज्यादा आए हैं तो केवल वही छोड़ के बाकी सब बच्चों के लिए, आपके लिए भी रोहित श्रीवास्तव जी, इस योजना के अंतर्गत आपकी फीस भरी जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री करियर काउंसलिंग की पहल स्टूडेंट के करियर को लेकर काफी सार्थक साबित होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।